फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर खुशी ई एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं मैथ्स, और मैथ्स में हम करने वाले हैं एडिशन विदाउट कैरी ओवर। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। राहुल के पास तीन फ्लावर्स है। कितने फ्लावर्स है? थ्री फ्लावर्स है। किसके पास? राहुल के पास। ओके। और रानी, रानी के पास फाइव फ्लावर्स है। ओके। कितने फ्लावर्स है रानी के पास? फाइव फ्लावर्स है। और एडिशन का जो साइन है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो ये क्या है? एडिशन का साइन है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। हाँ, इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे। तो राहुल के पास थ्री फ्लावर्स है और रानी के पास फाइव फ्लावर्स है। तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसे हम मानकर चलेंगे कि इतना हमारे पास है, और उसके आगे की हमारे पास सेकेंड कौन सा दूसरा डिजिट है, थ्री है, वो हम अपने फिंगर्स में निकालेंगे। फाइव मेरे पास है, फाइव में मुझे कितने ऐड करने हैं? थ्री ऐड करने हैं। तो मैं आगे की गिनती उसके आगे का गिनूंगी, सिक्स सेवन एट। तो थ्री में जब हम लोग फाइव को ऐड करते हैं तो कितने हो जाते हैं? एट हो जाते हैं। कितने फ्लावर्स हो गए हमारे पास? एट फ्लावर्स हो गए। ओके। तो जब राहुल और रानी के फ्लावर्स हमने क्या कर दिए, एक साथ ऐड कर दिए, तो हमें कितने मिल गए? एट फ्लावर्स मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे, इससे थोड़े से आगे का मतलब थोड़ा सा दूसरी संख्या देखेंगे। ओके। तो ये हमारा नेक्स्ट सम है। अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले सम्स में मैंने आपको बताया ना कि हम क्या करेंगे, एडिशन करने के लिए जो हमारी पहले बड़ी संख्या है, हाँ, उसे हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि हमारे पास ये है, और जो हमारी छोटी संख्या है वो हम हमारे इजी वे में फिंगर्स में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एट है। मुझे 8 में कितना प्लस करना है? 6 प्लस करना है। तो 8 मेरे पास है, मैं क्या करूंगी, 6 फिंगर्स को निकाल लूंगी। ओके। तो 8 के बाद क्या आता है, 9 10 11 12 13 एंड 14। ओके। तो जब हम 8 में 6 को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। 14 हम लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं ना। तो इसमें हमारा टेंस कितना है? 1 है। तो टेंस की प्लेस पर क्या जाएगा? 1 जाएगा। और यूनिट हमारा कितना है? 4। तो यूनिट के घर में क्या आ जाएगा? 4 जाएगा। समझ में आया आप लोगों को कि हाँ, विदाउट कैरी ओवर, यहाँ पे कोई कैरी ओवर है नहीं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए मैंने दो संख्या ली है, दो नंबर्स लिए हैं, 63 और 25 लिए। अब इस नंबर को मैंने क्या किया है, बॉक्स में उसके घर में लिख लिया है। हमारे 63 में टेंस क्या है? 6। और यूनिट क्या है? 3 है। ओके। उसी तरीके से 25 में टेंस क्या है? 2। और 5 क्या है? यूनिट है, मैंने लिख लिया है। जब हम लोग 2 डिजिट नंबर सॉल्व करते हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट, तो हम क्या करते हैं, पहले यूनिट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, टेंस को। तो चलिए उसी तरीके से हम पहले क्या करेंगे, यूनिट को सॉल्व करेंगे। यूनिट के घर में क्या है? 3 है और 5 है। इन दोनों में से बिग अमाउंट कौन सी है, बिगर नंबर कौन सा है? 5 है। और 3 क्या है? स्मॉलर नंबर है। तो हम मान लेते हैं कि 5 मेरे पास है, मुझे क्या करना है, उसमें 3 और ऐड करना है। तो मैंने मान लिया 5 मेरे पास है, तो मैं 3 फिंगर्स को निकाली, मैंने निकाला। 5 के आगे से मैं 3 नंबर्स काउंट करूंगी, 6 7 8। तो जब मैंने 3 में 5 को ऐड किया तो कितने हो गए? 8 हो गए। उसी तरीके से हमारे पास टेंस है, टेंस में कौन सी नंबर्स है? 6 है और 2 है। तो हम क्या करेंगे, हमारी बिगर नंबर को मान लेंगे कि हमारे पास है, और स्मॉलर नंबर जो है वो हमारी फिंगर पे हम सॉल्व करते हैं। तो 6 है, 6 के आगे मुझे क्या करना है, 2 नंबर और काउंट करना है, 7 8। तो जब मैंने 6 में 2 को ऐड कर दिया तो मुझे कितने नंबर, कौन सा नंबर मिला? 8 मिला। तो जब हम 63 में 25 को ऐड करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है? 88 मिलता है। ओके। आप लोगों को समझ में आ गया? अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ, उस होमवर्क को करके आपको क्या करना है, आपके टीचर को सेंड करना है। ओके। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों को क्या करना है, 6 में 3 को ऐड करना है। ओके। और सेकंड क्वेश्चन है कि 12 को
14 में ऐड कर उसे सॉल्व कर हमें सेंड करना है। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।